जय माता दी। जन्म कुंडली में खराब बैठा हुआ शनि हमारे जीवन की खुशियों को ग्रहण कैसे लगाता है, क्या क्या तकलीफें देता है, किन किन हिस्सों पर अपनी चोट पहुंचाता है, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे, उपाय भी देंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अगर आप जीवन के अंदर अच्छी प्रॉपर्टियों का सुख लेना चाहते हो, अपने मकान का सुख लेना चाहते हो, अच्छे बिजनेस का सुख लेना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपके कारोबार में जो आपके नौकर हो वो हमेशा वफादार रहे और टिक करके काम करे, ये सारी चीज़ों का अगर सुख लेना है तो शनि का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर के जोड़ हमेशा अच्छे रहे, स्वास्थ्य आपका हमेशा अच्छा रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो शनि देव का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। जन्म कुंडली में अगर शनिदेव बेहद खराब अवस्था में हो, राहु और केतु के लॉ से अगर शनि खराब हो रहा हो या नीच ग्रहों के साथ जाकर के संबंध कर ले, तो ऐसे में ऐसे इंसान के जीवन के अंदर मिलने वाले प्रॉपर्टियों के सुख हमेशा कमजोर होंगे। मकानों का सुख या तो मिलेगा नहीं, या मकान होते हुए भी उसका सुख पूर्ण रूप से ना मिल पाना, या कई लंबे समय तक ऐसे इंसान को किराए के मकानों में रहना पड़े। ये सारे खराब हालात तभी बनते हैं जब जन्म कुंडली के अंदर शनि कमजोर हो। जन्म कुंडली के अंदर शनि अगर खराब बैठा हो तो चंद्रमा भी जन्म कुंडली के अंदर कभी अच्छा फल दे नहीं सकता। चाहे चंद्रमा उच्च की राशि वृषभ राशि में बैठ जाए, अपने पक्के घरों में जाकर के बैठ जाए, या किसी भी शुभ घर में बैठ जाए, लेकिन जब तक आप जन्म कुंडली में शनि को अच्छा नहीं कर लेते, चंद्रमा आपको कभी अच्छा फल नहीं दे सकता, जिसके कारण प्रॉपर्टियों के सुखों से तो दूरी हमेशा बनी ही रहेगी। वाहन के सुख भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएंगे और माँ को भी जीवन में परेशानियां देखने को मिलेंगी। शनि अगर जन्म कुंडली में खराब हो जाए तो कामकाज में काम करने वाले नौकर हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे। कुछ समय काम करके सीख के आपको छोड़ करके चले जाएंगे या वफादार नहीं निकलेंगे, किसी भी तरह से परेशानियां उनकी तरफ से भी आती रहेंगी, और घर में एक के बाद एक किसी ना किसी को जोड़ों से संबंधित तकलीफें, या ऐसे इंसान को खुद को जोड़ों की तकलीफें जीवन में देखने को मिलती है। तो जन्म कुंडली में शनि देव का अच्छा होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर्टियाँ बनाना चाहते हो, अपने मकान का सुख लेना चाहते हो, नौकर चाकरों का सुख लेना चाहते हो और धन का सुख लेना चाहते हो, ऐसे में शनि को अच्छा करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जिन लोगों का शनि खराब है, ऐसे लोगों को काला रंग पहनना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके घर में जितना भी कबाड़ है वो सारा कबाड़ घर से निकालना ज़रूरी है, और लोहा कभी किसी से फ्री में या लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ किसी से गिफ्ट के रूप में कभी नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को 8 नंबर के मकान के अंदर भूल के भी नहीं रहना चाहिए, या अपना व्हीकल गाड़ी या अपने घर का नंबर 8 नंबर का नहीं होना चाहिए टोटल। और साथ ही ऐसे लोगों को हर शनिवार एक लोहे का तवा या चिमटा लेकर के किसी चलते हुए साधु को या किसी मजदूर को जरूर दान देना चाहिए। ये कम से कम 27 शनिवार अगर आप करते हो तो आपकी कुंडली में शनिदेव कहीं भी खराब होकर के बैठा हो, वो आपको अच्छे फल देने जरूर शुरू करेगा और प्रॉपर्टी और मकानों का सुख भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपका भी शनि खराब है और इन इन तकलीफ़ों से आप जूझ रहे हो तो ये उपाय कीजिए, ज़रूर लाभ होगा। और भी विषयों पर आपके साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।